जय जगन्नाथ मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं हमारी जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ आज की जो उसकी टॉपिक है वो है पूरी की मठ संस्कृति वैसे तो मठ संस्कृति हर जगह है मठ हर जगह है लेकिन पूरी में जो मठ है मंदिर के साथ उनकी ए, क्या संबंध है और उनके उनके जो म, म, मंदिर की जो परंपराएं हैं उसमें मठों का क्या योगदान है उसके बारे में हम बात करेंगे और आज की जो हमारी रेसिपी है वो एक सब्जी है उसको बोलते हैं छेना रसा तो आज हम बनाने वाले हैं छेना रसा जो मंदिर में प्रसाद के रूप में लगता है तो चलिए जैसा हम हमेशा करते हैं पहले छेना रसा बना लेते हैं बाद में आके मठ संस्कृत के बारे में बात करेंगे जय जगन्नाथ अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं छेना रसा ये भगवान जी की जो सब्जी होती है उन्हीं में से एक है जैसा मैंने पहले कहा था भगवान जी के मंदिर में जो प्रसाद लगता है उसकी सब्जी की मात्रा जो होती है हो, कम होती है पाँच या छः टाइप की सब्जी लगती है और दूसरे टाइप के जो प्रसाद होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं जैसे आपका निशम प्रसाद हो गया पीठे वगैरह हो गया वो ज़्यादा लगते हैं और आज की जो हमारी ये प्रसाद है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए जो चाहिए चलिए पहले जान लेते हैं उसके लिए चाहिए छेना और नारियल छेना यहाँ पे मैंने एक कप लिया है नारियल एक कप से थोड़ा कम लिया है और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और यह है घी और ये है कुछ मसाले इसमें है एक अदरक छोटा सा ये है लौंग यह है काली मिर्च यह है बड़ी इलायची और यह है ज़ीरा अभी हमें क्या करना है और नमक और हल्दी अभी हमें क्या करना है जो छेना है और इसमें थोड़ा सा नमक और ये मैदा डाल के उसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है और उसका छोटा सा छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और ये जो मैंने मसाले दिखाए इन सारे मसालों को हमें नारियल के साथ एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है मंदिर में तो सिल का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और तो मिक्सी में उसको पीसेंगे तो चलिए पहले मैं इस मसाले को पीस लेती हूँ उसके बाद आके हम आगे का प्रोसेस करेंगे अभी देखिए जो पेस्ट मैंने कहा था मसालों का वो हमने पीस लिया है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ये जो छेना हमने लिया था ये मैंने एक कप छेना लिया है और उसमें क्या करना है एक स्पून हमें इसमें मैदा डाल देना है बाइंडिंग के लिए ताकि वो खुल ना जाए और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा नमक और चाहें तो थोड़ी हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं वरना छोड़ दीजिए लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं डालती हूँ तो मैं डाल देती हूँ आप उसको ऐसे बिना हल्दी के भी कर सकते हैं लेकिन जो ग्रेवी होगा उसमें हल्दी जाएगा तो ये जो छेना है ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब उसको फाइन करके उसको हमें ऐसे मिक्स करना है वैसे नॉर्मली जैसे थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया जो मैदा है वो अच्छी तरीके से उस छेना के अंदर जाना चाहिए उसी तरीके से मैं यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि आज यूजल जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे घर की जनसंख्या बहुत कम है ए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरे बेटे को कोई भी डायरी चीज़ें पसंद नहीं है तो ये सो बिल्कुल भी नहीं खाएगा तो इसीलिए मैं बहुत कम बना रही हूँ ये है हो गया छेने का जो हमने डो बना लिया है अभी क्या करना है मैंने पहले से ही तेल चढ़ा रखा है आज हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मैं आज तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने तेल पहले से ही चढ़ा रखा है तो चलिए अब हमें इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्राई कर लेना है अभी देखिए तेल जो है पूरा गर्म हो चुका है आज मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन धीमी आंच पर इसको आपको पकाना है तेल को धीमी आंच पर करके आपको पकाना है ये नीचे लगने का डर है तो नॉन स्टिक का इस्तेमाल कीजिए और होगा दूसरे पैन में भी होगा लेकिन थोड़ा मतलब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा छोटे छोटे ऐसे बॉल्स जो होंगे मैंने बहुत कम बनाया है आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलना है एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें उसको निकाल लेना है लेकिन उसको धीमा आंच पर ही तलना है बहुत ज़्यादा आंच को हाई नहीं करना है वरना ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना ज़रूरी है धीमी आंच पर जो हमारे इंडियन कुकिंग है वो धीमी आंच पर ही होती है क्योंकि हम कुछ कच्चा नहीं खाते हम 100 परसेंट कुक हुआ खाना खाते हैं और हमारे क्लाइमेट के लिए तो वही अच्छा है कि हम 100 परसेंट कुक हुआ खाना खाएं और कच्चा पक्का खाना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये देखिए पाँच मिनट सात मिनट के बाद ये अभी पक चुके हैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एक्चुअली इसमें आटा जाता है बाइंडिंग के लिए मैदा नहीं जाता और जो आज मैंने आ, आटे का जो पैकेट खुला है वो मल्टीग्रेन है आ, तो मैंने उसको नहीं दिया और थोड़ा मैदा मैंने दे दिया लेकिन इसमें जो मंदिर में बनता है उसमें आटा जाता है मैदे का इस्तेमाल नहीं होता तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया अगर आप चाहें तो आटा जो गेहूँ का आटा है उसको डाल सकते हैं क्योंकि मंदिर में गेहूं का आटा जाता है और जैसा मैंने कहा कि जो पैकेट आज मैंने खुला है वो मल्टीग्रेन है इसीलिए मैंने उसको डालना मुनासिब नहीं समझा तो अभी हमें क्या करना है इन सारे बॉल्स को निकाल लेना है और उसके बाद हमें इसकी ग्रेवी बनानी है इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी जलाना नहीं है अगर आप धीमी यहाँ पर नहीं पकाएंगे तो ये जल जाएगा अंदर तक नहीं पकेगा और जल जाएगा अभी देखिए जो छेने के जो बॉल्स हमने बनाए थे उसको फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं गोल्डन ब्राउन करके अभी हमें एक मसाला बनाना है और मसाला बनाने पे बनाने से पहले मैं एक बात आपको कह दूँ कि मैंने ये जो थी गुड़ मैंने इसको नहीं दिखाया था मैं भूल गई थी दिखाना और अभी मैंने लिया है आधा चम्मच गुड़ और अभी हमें क्या करना है जो पेस्ट मैंने लिया था जो नारियल अदरक वो जो पेस्ट था उसको क्या करना है अभी हमको इस बड़े वाले बॉल में लेना है और जो हल्दी है ये जो जीरा है मैंने आधा डाला है और थोड़ा बचा के रखा है क्योंकि हमको ये आगे काम आने वाला है और ये नमक और ये हल्दी जो हमने लिया था उसको हमने इसमें डाल दिया ज़्यादा कुछ नहीं डाला ये जो मसाले थे नमक था और हल्दी था इसको हमें डाल दिया इसमें अब और ये जो गुड़ है उसको भी डाल देंगे अभी हमें क्या करना है इसमें इसी बॉल से तीन बॉल पानी देना है इसको ऐसे करके मिला लेना है अच्छी तरीके से और हमें थोड़ा हींग लगेगा मैंने हींग को भिगो के रखा है उसको बाद में डालना है तो मुझे दिखाया नहीं लेकिन मैंने थोड़ा हींग को भिगो के रखा है और ये हो गया अभी हमें क्या करना है इसको इस मिट्टी के पॉट में ट्रांसफ़र कर देना है ये जो बैटर हमने बनाया है उसको मिट्टी के बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसी को हमें पकाना है इसी मिट्टी की हांडी में ये मिट्टी की हांडी में पकता है और हमें तकरीबन इसको दस मिनट तक उबालना है ये जो मसाले वाला पानी है उसको दस मिनट तक उबालना है अभी देखिए मैंने हांडी को रख दिया है गैस के ऊपर पाँच मिनट तक हमें अभी इसको खुल के मतलब ऐसे पकाना है एक उबाल आ जाए उसके बाद हमें उसको ढक देना है और पांच मिनट तक दस मिनट लगते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके बाद हम आकर आगे का प्रोसेस करेंगे तो फिलहाल उसमें एक उबाल आने देते हैं उसके बाद मैं ढक दूँगी अभी देखिए मैं दस मिनट बाद आ रही हूँ और निकाल के देख लेते हैं ये देखिए ये अच्छी तरीके से अब पानी सूख गया है और अभी हमें क्या करना है ये जैसा मैंने कहा था कि मैंने थोड़ा हींग को भिगो के रखा था तो दो चम्मच पानी में उसको हम डाल देते हैं और उसके बाद क्या करना है जो ये बॉल्स हमने बनाए थे उसको भी इसके अंदर डाल देना है और ज़्यादा नहीं पाँच मिनट तक उसको उबालना है ज़्यादा नहीं उबालना है सिर्फ पाँच मिनट तक उसको उबालना है और उसके बाद आके हम आगे का प्रोसेस करेंगे अभी देखिए पाँच मिनट हो गए हैं आ, बॉल्स को डाले हुए अभी देख लेते हैं ये देखिए इसको मैं दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया है अभी तो मैं कुछ मतलब उसको लाडर की स्पाचुल कुछ डाल नहीं रही हूँ लेकिन ये हो गया है और अभी हमें क्या करना है जो जीरा हमने रखा था थोड़ा उसको इसके ऊपर डाल देना है और जो घी हमने लिया था उसको इसके ऊपर डाल देना है क्योंकि कोई भी घी और तेल हमने पहले नहीं डाला था तो इसीलिए घी को अभी डालना है आखिर में और डाल के इसको बंद कर देना है पाँच मिनट तक बंद करके उसके अंदर रहने देना है घी और मसाले जैसा मैंने हमेशा कहा कि आप अपने हिसाब से डालिए मैंने दो चम्मच डाला आप हाफ चम्मच डाल सकते हैं एक चम्मच डाल सकते हैं पाँच चम्मच डाल सकते हैं वो आपके ऊपर है लेकिन अभी हम उसको गैस को ऑफ़ करके पाँच मिनट तक उसको रहने देंगे और उसके बाद वो अच्छी तरीके से हो जाएगा ये देखिए हमारा जो छेना रोसा है वो बनके तैयार है ट्रस्ट में बहुत अच्छी रेसिपी है आपको ज़रूर एक बार इसको घर में बनाना चाहिए अपने भगवान के लिए जो प्रोसेस से मैंने बनाया मंदिर में उसी प्रोसेस से बनता है आप चाहें तो इसी प्रोसेस से बना सकते हैं या फिर अपनी कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी रेसिपी है और जगन्नाथ जी के मंदिर में लगता है जगन्नाथ जी को तो हर भोग प्रिय है तो ये भी बहुत प्रिय है तो ये थी आज की हमारी रेसिपी आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ जीवन जगन्नाथ की सीरीज खत्म होने के बाद मेरे कान्हा की थाली जो है हमारी दूसरी सीरीज जो वो आ रही है और आई होप वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी तो जुड़े रहिए हमारे साथ रहते हैं आज के लिए इतना ही जय जगन्नाथ हमने छेना रसा बना लिया है तो चलिए बात करते हैं जो मठ संस्कृति है उड़ीसा की मठ संस्कृति है पूरी की मठ संस्कृति है उसके बारे में और जो मंदिर की जो दिनचर्या है भगवान की जो दिनचर्या है उनमें मठों का योगदान क्या है उसके बारे में बात करेंगे और देखिए मठ जो होती है वो विष्णु उपासना में मठों की जो योगदान होता है वो बहुत ज़्यादा है वैष्णव धर्म को प्रचार करने मठों का बहुत सारा योगदान है और उनकी बहुत पुराने समय से मठों की जो होती है ना वो आम जनजीवन के ऊपर बहुत प्रभाव रहता है मठ के जो महंत होते थे मठ के जो लोग होते थे उनको बहुत मानते थे लोग तो इसी तरह जगन्नाथपुरी क्योंकि विष्णु का एक चार धाम में से एक है तो वहाँ पर भी बहुत सारे मठ हैं आई थिंक जो आ, सबसे ज्यादा मठ हैं तो वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं और जो पूरी के चारों तरफ जो मठ हैं बड़ो छता मठ हो साना छता मठ एमआर एम आर मठ हो मठ गोपाल वल्लभ मठ गोपाल तीर्थ मठ जगन्नाथ बल्लभ मठ राधाकांत मठ और भी बहुत सारे मठ हैं जो उन मतलब उनका जो योगदान होता है मंदिर की रिचुअल्स में डेली के रिचुअल्स में वो बहुत ज़्यादा होता है मतलब हर जगन्नाथ जी के उठ उठने से लेकर जगन्नाथ जी के मतलब सोने तक बहुत सारी जो होती हैं रिचुअल्स वो मठों के बीच में बांटा गया है मतलब भगवान सुबह उठेंगे उनके जो ब्रश करते हैं वो टूथब्रश जो होता है वो एक लकड़ी एक पेड़ का जो डाहनी होता है बोड़ो दंत काटी जो बकुल होता है वो एक मठ प्रोवाइड कराता है और जो फूलों का जो गहना होता है वो एक मठ प्रोवाइड करा जो जगन्नाथ वल्लभ मठ है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वो भगवान के जो अन्न प्रसाद होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है और जो रात में बड़ श्रृंगार वेश होते हैं जो फूलों का गहना लगता है वो भी उसे प्रोवाइड करवाते हैं और जो गोपाल तीर्थ मठ है वो भी भगवान की जो टाहिया होते हैं बलभद्र जी के स्नान पूर्णिमा जो गज वेश होते हैं उनको वो प्रोवाइड कराते हैं और जो राघवदास मठ है उसकी तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने में उसकी लिस्ट लिस्ट में नंबर सबसे पहला उनका आएगा क्योंकि जो रथ यात्रा के स्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा के समय तक जितने भी भगवान के टाहिए लगते हैं माला लगते हैं फूल लगते हैं सब कुछ वो प्रोवाइड करवाते हैं जैसा मैंने कहा कि मठों को बांट दिया गया है और ये जो मठ हैं, ये मठ ऐसा नहीं है कि किसी ने आके वैसे ही बना दिया है जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े संत थे वो सब पूरी आए थे और उन्होंने ही ये मठ सारे बनाए थे मठों में सबसे पहला नंबर आता है गोवर्धन पीठ का गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य थे जो सबसे पहले शंकराचार्य थे आदि शंकराचार्य वो आठ शताब्दी में पूरी आए थे तब ये मंदिर नहीं था तब दूसरा मंदिर हुआ करता था मतलब छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये बड़ा वाला ये अभी का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं था तो तब से ही क्योंकि वो शैवेटी थे आ, मतलब शिव के उपासक थे लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे पुराने टाइम में ऐसा होता था ना जो विष्णु के उपासक थे वो शिव की उपासना नहीं कर सकते जो शिव के उपासक तो विष्णु की उपासना नहीं कर सकते ऐसा पहले चलता था तो खैर वो शिव के उपासक थे लेकिन आ, वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर यहाँ पर गोवर्धन मठ प्रतिष्ठा करवाया और गोवर्धन मठ का जो शंकराचार्य शंकराचार्य जी के सबसे बड़ा योगदान है जगन्नाथ जी की पुनः स्थापना में जो काला पहाड़ आके मंदिर को नष्ट कर दिया था उसके बाद जो तीनों भगवानों की पुनः प्रतिष्ठा हुई वो उसमें शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और शंकराचार्य जी जो हैं वो मुक्ति मंडप के मुख्य हैं और हर चीज में उनका राय लिया जाता है और उनके बाद आता है एम आर मठ जो रामानुज थे वो आके वो विष्णु धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं रामानुज तो वो जब आए थे तो उन्होंने एम आर मठ उन्होंने प्रतिष्ठा करवाया था Uh, खैर अभी तो कुछ दिन पहले एम मठ को तोड़ दिया गया क्योंकि वो मठ हजार साल पुराना मठ था और बहुत ही जराजीर्ण अवस्था में था उसको तोड़ दिया गया और अभी जगन्नाथ जी की जो मंदिर है उसके आसपास से सारे मठों को मतलब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसी की वजह से और ये हो गया और जो ये गए शंकराचार्य जी रामानुज जी इनको तो आप जानते होंगे कितने बड़े बड़े संत थे और जो सिख धर्म के प्रतिष्ठाता थे जो गुरु नानक साहेब जब वो आए थे पूरी तो उन्होंने प्रतिष्ठा करवाया था मंगू मठ और इनकी क्या सेवा होती है इनकी सेवा होती है आलट चामर करना जितने भी मठ हैं उनकी सबके कॉमन सेवा होती है आलट चामर सेवा ये सारे मठ की तरह मतलब मतलब हर मठ मत का कुछ ना कुछ योगदान होता है और आलट चामर जो होता है वो हर मठ का कमन सेवा होता है तो गुरु नानक जी जो आए थे उन्होंने मंगू मठ प्रतिष्ठा करवाया था और ये जो मठ होते थे लोग मंदिर जाते थे मंदिर के प्रति जितनी श्रद्धा होती थी मठों के प्रति भी उतनी श्रद्धा होती थी मठों के जो महंत होते थे वो काफी पावरफुल होते थे और काफ़ी समय से उनकी मोनोपोली भी चलती थी लोगों के ऊपर बहुत सारे बेतु के कानून वो लागू करते थे और कुछ ऐसा चलता था पिछले ज़माने में चलता था जो लोग ना चाहते हुए भी उसको मानते थे लेकिन अगर मठ की ऐसे बात करें तो हर गांव में मठ होता है हर जगह पे मठ एक दो तीन मठ होते थे हर पंथ को मानने वालों के मठ होते विष्णु के उपासक के मठ होते थे शिव के उपासक के मठ होते थे और जो महिमा धर्म है उनको मानने वालों के मठ होते थे लेकिन मठ जो है उड़ीसा के जनमानस को ऊपर बहुत प्रभाव रहता था उनका और खैर बंगाल में भी बहुत सारे मठ हैं और खासकर चैतन्य जी के आने के बाद तो मठों की भरमार हो गई हाँ जब चैतन्य जी आए थे उड़ीसा तो उन्होंने आके यहाँ पर राधाकांत मठ स्थापित किया था जो गौड़िया वैष्णवी थी हैं उनके लिए वो मठ बहुत मान्यता रखता है बहुत खास है तो चैतन्य जी ने एक मत मठ प्रतिष्ठा किया रामानुज ने, ने एक मठ प्रतिष्ठा किया शंकराचार्य जी ने आदि शंकराचार्य जी ने किया था गोवर्धन मठ वो है और एक रामानंद जी थे वो आए थे उन्होंने एक अखाड़ा मठ स्थापित किया था बड़ो अखाड़ा मठ तो उनकी जो सेवा होती है वो जगन्नाथ जी की सुरक्षा करते थे जो मुस्लिम आक्रांता थे जो मंदिर के ऊपर आक्रमण करते थे तो मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर थी तो वो मठ जो था वो रामानंद जी ने प्रतिष्ठा करवाया था तो जैसा मैंने कह दिया कि आलट चावर सेवा होता है खटंति भोग होता है, भोग, होता है। भोग किसको बोलते हैं खटंति भोग बोलते हैं जो अन्न भोग होता है उसको बोलते हैं खटंति भोग और जो गोपाल बल्लभ गया जो बड़ श्रृंगार हो गया हर चीज़ हर चीज में मठों का बहुत योगदान रहता है बिना मठ के शायद ऐसा तो कहना गलत होगा जगन्नाथ जी और जितने सारे मठ हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और आज भी खैर लोगों की मठों के प्रति बहुत आस्था है बहुत श्रद्धा है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी पूरी आए तो उन मठों के अंदर जाके उनके दर्शन ज़रूर कीजिए उन मठों के दर्शन ज़रूर कीजिए क्योंकि ये सब लाइफ में एक बार होता है इन चीज़ों को देखना बहुत पुराने मठ हैं और बहुत संस्कृति के हमारे धरोहर हैं वो उनको जाके देखिए पूरी आए हैं तो जगन्नाथ जी के साथ साथ उनको भी देखिए क्योंकि जगन्नाथ जी उनके बिना अधूरे हैं आप सारे चीज़ों को जानिए सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और तो खैर ये थी आज की वीडियो और आज की जो हमारी रेसिपी थी वो तो बन के तैयार है आई होप आज की रेसिपी और मठों के बारे में आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और खैर हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपको स्वस्थ रखें सुखी रखें तो रहते हैं जय जगन्नाथ